जब भी कुछ मीठा खाना हो या किसी फेस्टिवल की बात हो, कोई ना कोई हम खीर तो बनाते ही हैं। तो आज मैंने एकदम झटपट क्विक ये सेवैया की रेसिपी लेकर आई हूँ। सेवैया खीर हर किसी को पसंद आती है, इस तरीके से आप बनाएंगे वो बहुत पसंद आने वाली है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। उससे पहले आप चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेवैया ली है, आप देख सकते हैं। तो सेवैया आपको कोई भी लेनी है जो आपके पास हो। तो हाफ कप मैंने रॉ सेवैया ली है, इसको छोटे छोटे तोड़ लिया है, नहीं तो ये रोज करते नहीं बनता। तो आप कोई भी अपने हिसाब से आपको जो लगे वो सेवैया ले लें। उसके बाद आपको एक पैन लेना है, पैन में हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी से इसका टेस्ट ना बहुत एनहांस हो जाता है। तो कई लोग इसको ऐसे ही रिफाइंड ऑयल में ही बना लेते हैं, बट देसी घी में आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। और फ्लेम को लो कर लेंगे, लो करने के बाद जो हमने सेवैया ली है ना, सेवैया को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम में हमें इसको अच्छे से भूनते जाना है, चलाते चलाते। आप इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे कि जो मार्केट में रोस्टेड सेवैया आती है ना, उसके बाद भी हम उनको थोड़ा सा ज़रूर रोस्ट करते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देख सकते हैं अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लीटर मतलब पूरा एक लीटर मैंने यहाँ पर दूध लिया है, आप कोई भी दूध ले सकते हैं, नॉर्मल फुल फैट जो भी हो। तो मैंने एक लीटर दूध डाल दिया है इसमें। इसको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है। मेरा पैन में थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखूँगी उसको, तब तक अच्छे से बॉयल आने तक इसको हम चलाते चलाते अच्छे से वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक बॉयल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें बादाम और चारोली है। बादाम को मैंने छोटा छोटा किया है और आधा कप मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आप देख सकते हैं। तो अब इसको हमने फ्लेम को लो कर दिया है जैसे दूध हमारा बाहर ना निकल के गिरे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिया था ना जैसे चारोली या बादाम, आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं आपको जो पसंद हो, काजू। तो मैंने ये दोनों चीज़ डाल दी है और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं बचा लूँगी। आप बादाम अभी डाल दोगे ना अच्छा सा खीर के साथ ये पक जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। फ्लेम का आप ध्यान रखें और इसको हमें बस ऐसे डालकर अच्छे से पहले मिक्स करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा कप जो मिल्क पाउडर लिया था ना वो भी डाल देंगे, डेरी वाइटनर जो भी आपके पास हो यूज़ कर सकते हैं। तो डाल के हमें अच्छे से मिक्स करना है, इससे मिल्क पाउडर से क्या होगा ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी और एकदम टेस्टी आपकी सेवैयाँ बनने वाली है। आप देख सकते हैं ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे और आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुका है और आधा हो चुका है हमारा दूध। तो अब हमें ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको यहाँ पर डालना है शुगर। तो मैंने यहाँ पर हाफ कॉफ़ी शुगर डाला है, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। शुगर को डालकर हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और इसको पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए ग्रीन कार्डमम यानी इलायची पाउडर 1 चम्मच, और इसको मिलाते हुए हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी खीर एकदम परफेक्ट बन के रेडी है, आप देखेंगे ऊपर अच्छे से बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एकदम बड़े बड़े बबल आने स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब खीर आपकी एकदम परफेक्ट बन के रेडी है। इसको गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी इसलिए इसको ज़्यादा आप गाढ़ा ना करें। तो बस ऊपर से गार्निशिंग कर लीजिए आप चारोली और थोड़े से आपके पास जो भी बादाम कटे हुए हैं उनसे, और इसको आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। इतनी सिंपल खीर की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी, झटपट बनती है और खाने बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़, आप अपना सपोर्ट नहीं बना के रखेंगे तो मैं कैसे वीडियो अपलोड करूँगी। तो एक बार प्लीज़ आप इसको देखें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।